नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी का बवाल जारी और अभी तक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़ी। इसी को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने मंगलवार को बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच स्थिति की अमेरिका बहुत करीब से निगरानी कर रहा है। एस्पर ने चीनी सैन्य गतिविधियों को क्षेत्र को अस्थिर करने वाला बताया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख और दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य आक्रामकता फिर से बढ़ने के बीच एक सुरक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। एस्पर ने आगे कहा कि हम भारत और चीन के बीच स्थिति की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो कुछ हो रहा है उसकी बहुत करीब से निगरानी कर रहे हैं। हमें ये देखकर अच्छा लगा कि दोनों पक्ष तनाव घटाने की कोशिश कर रहे हैं। एस्पर ने यह भी कहा कि भारत के साथ अमेरिका का संबंध 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा संबंधों में से एक है। चीन के साथ भारत के सीमा विवाद के बीच परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्स के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना के एक हमलावर बेड़े ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट पर भारतीय युद्ध पोतों के साथ सोमवार को सैन्य अभ्यास किया। अभ्यास में भारतीय नौसेना के 4 युद्ध पोत ने हिस्सा लिया। यूएसएस निमित्स विश्व का सबसे बड़ा युद्ध पोत। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच यह अभ्यास मायने रखता है। एस्पर ने कहा कि हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग को प्रदर्शित करता है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले ट्रंप, फिर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अब रक्षा मंत्री माइक एस्पर, जिन्होंने भारत के साथ संबंध को दर्शाया है और चीन की कान को मरोड़ा है और कहा है कि हद में रहो, नहीं तो हम हद में रहना सिखा देंगे।